हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनादी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कुछ अलग हट के तो रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ, मैं दाल मखनी की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी तरीका जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं यही दाल मखनी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए कि इसी तरीके से मैं आप लोग के साथ और भी अच्छे अच्छे चीज़ शेयर करती रहूं और मोटिवेट होते रहूं। तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर मूँग, हरा मूँग, काला उड़द और राजमा, ये तीनों मैंने भिगा दिया था इसको ओवरनाइट के लिए। ये भीग गया है और फूल गया है अच्छे से। मेरे पास काला उड़द थोड़ा सा कम था, तो आप ज़्यादा इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं काला उड़द का। और थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने अरहर दाल ले लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से धोएंगे और 2 गिलास पानी डाल के इसको हम नमक और थोड़ा सा बिल्कुल हल्दी डाल के हम इसको सीटी लगा लेंगे, 3 सीटी लगा लेंगे। तो देखिए, उधर मेरा सीटी लग रहा है, तब तक हम यहाँ लहसुन, अदरक, प्याज को छील के मैंने काट लिया है और सारी चीज़ों को हम एक साथ ही चॉप कर लेंगे, चॉपर में बिल्कुल महीन कर लेंगे। नहीं तो आप ऐसे स्लाइस से भी काट सकते हैं या चाकू से भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे मतलब सुविधा लगे आप उस तरीके से काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए, प्याज को मैंने काट लिया है और टमाटर को भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब हम देख लेते हैं अपनी दाल। तो हमारी दाल बहुत ही अच्छे से गल गई है, इसको थोड़ा सा हम मिला देंगे, एक साथ कर देंगे। और फ्रेंड्स मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सर्दी और ज़ुकाम हो गया है तो आवाज़ बिल्कुल भारी है। पहले का ही वीडियो है तो मैं उसको वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच रिफाइंड। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बटर। ऐसे बटर डालने पे उड़ने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा तेल डाल के ही डाले बटर को। तो गरम हो गया है अच्छे से, तो मैंने डाल दिया है जीरा, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। इसके साथ मैंने बाकी जो चॉप किया था अदरक, लहसुन और प्याज को इसके साथ हम भून लेंगे अच्छे से। हम सॉफ़्ट कर लेते हैं प्याज को, और जब मेरा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर। और थोड़ा सा इसको हम कलर लाने के लिए इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और टमाटर, हाँ आप वही यूज करें जो एकदम बिल्कुल लाल लाल हो, उससे कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके साथ हम डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इसको बिल्कुल अच्छे से, जब इसका तेल अलग ना हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से मसाले को। तो हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, तेल और मतलब अलग निकल गया है, रिलीज कर दिया है। तब हम इसमें डाल देंगे अपना टमाटर, और टमाटर डालने के साथ मिला लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक डाल के मैंने टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से एकदम टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो हम थोड़ा सा इसको मतलब इजी से थोड़ा सा मैस कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपना दाल, जो मैं यहाँ पे दाल को ऐसे इस तरीके से मिला के रखी, तो बाकी सारी दाल मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे भी खा लें। और इतना टेस्टी बना था, मतलब पूछिए मत, बहुत टेस्टी बना था। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गुनगुन तो सुबह में भी बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए सुबह में, मैं रात में बना रही हूँ, और ये गुनगुन बोली थी कि मम्मी सुबह के लिए भी रख देना, बहुत टेस्टी बना था। तो गाढ़ा पतला आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कटोरी पानी डाल दी हूँ, और अब हम इसमें डाल देंगे मलाई। तो ये मेरा ताज़ा मलाई है जो दूध के ऊपर से निकला हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, यूज कर रही हूँ। मलाई से इतना अच्छा टेस्ट आता है, तो मलाई आप ज़रूर डालें, क्योंकि मलाई से और घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप तेल में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन घी का टेस्ट अलग ही आता है, अच्छा आता है। ऊपर से हम डाल देंगे 1-2 चम्मच बटर,
सकती हूँ कि और स्वाद बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे बटर के यूज कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से आपका भी दाल मखनी बहुत ही टेस्टी बनेगा कि लोग आपके परिवार रोज़ बोलेंगे कि आप यही बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं सर्व। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बाउल, उसमें हम सर्व कर लेते हैं। इसके साथ ऊपर से हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से मलाई से, और हम यहाँ ऊपर से थोड़ा सा मलाई डाल देते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और यम्मी लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर